ऑफ बॉलीवुड गॉसिप्स। बॉलीवुड के पॉपुलर कपल शाहिद कपूर और मीरा राजपूत के बेटे जैन 5 सितंबर को 6 साल के हो चुके हैं। ऐसे में कपल ने अपने लाडले पर खूब प्यार लुटाया है। मीरा ने लास्ट नाइट जैन की कई पिक्चर शेयर की थी और अब उनके बर्थडे पार्टी की इनसाइड पिक्चर्स भी सामने आ चुकी हैं। दरअसल मीरा राजपूत ने जैन के बर्थडे पार्टी डेकोरेशन की एक पिक्चर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की है। स्टार कपल ने जैन का बर्थडे पोकेमॉन थीम पर सेलिब्रेट किया है, तो वहीं ग्रूम बलून नाम के इंस्टा पेज ने भी अपनी स्टोरी पर जैन की बर्थडे डेकोरेशन की कई पिक्चर शेयर की हैं, जिसमें बलून्स पर हैप्पी बर्थडे जैन भी लिखा हुआ नजर आया है। ये पिक्चर्स अब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। पिछले एक साल से दिलजीत दोसांझ अपनी सिंगिंग और एक्टिंग की वजह से हर जगह तहलका मचा रहे हैं। पंजाबी सिंगर एक्टर अंबानी और फिल्म इंडस्ट्री सहित कई लोगों की पहली पसंद बन गए हैं। एक्टर ने हाल ही में इम्तियाज अली की अमर सिंह चमकीला में एक हिट मूवी भी दी, जिसके लिए उनकी एक्टिंग की खूब तारीफ हुई। अब खबर है कि दिलजीत ने बॉर्डर 2 के लिए सनी देओल के साथ अपना हाथ मिलाया है। अपनी मूवी गदर के ब्लॉकबस्टर सीक्वल के बाद सनी देओल ने गदर 2 के साथ बिग स्क्रीन पर धमाकेदार वापसी की है। एक्टर अब अपनी दूसरी हिट मूवी बॉर्डर के सीक्वल की तैयारी कर रहे हैं। हाल ही में आई खबरों में दावा किया गया है कि दिलजीत दोसांझ देओल के साथ स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि दिलजीत मूवी में एक असल जिंदगी के सैनिक की भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। हालांकि इस बारे में अभी और जानकारी नहीं मिली है। अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज की वीडियोस आपने सोशल मीडिया पर जरूर देखे होंगे। इस वक्त ट्रेंडिंग है और अपने काफी फनी विचारों को लेकर भी चर्चा में रहते हैं। चाहे वो बिस्किट को विश की किट कहना हो या फिर स्कूल को इशू कूल कहना हो, अनिरुद्ध आचार्य का एक वीडियो फिर से वायरल हो रहा है, जिसमें अमेरिका के लोगों के बारे में वो बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि अमेरिका का जो आधार कार्ड होता है, जैसे वहाँ के लोग ग्रीन कार्ड बोलते हैं, उसमें बाप का नाम नहीं होता क्योंकि बाप कन्फर्म नहीं है उन लोगों को। इसके बाद वीडियो काफी वायरल हो रहा है। लड़की ने पूछा कि अमेरिका और भारत में कितना अंतर है, तो इस पर महाराज ने कहा कि अमेरिका और भारत में जमीन आसमान का अंतर है। अमेरिका में ग्रीन कार्ड होता है जैसे कि हमारे यहाँ आधार कार्ड होता है। वहाँ के ग्रीन कार्ड में माता का नाम तो है, लेकिन हमारे यहाँ पर आधार कार्ड में पिता का नाम होता है, लेकिन अमेरिका में सिर्फ माता का नाम होता है क्योंकि पिता कन्फर्म ही नहीं है उन लोगों को। बॉलीवुड के किंग खान यानी कि शाहरुख खान हमेशा लाइमलाइट में छाए रहते हैं। एक्टर की पिछले साल बैक टू बैक 3 मूवीज पठान, जवान और डंकी ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया था। इन तीनों मूवीज में से 2 मूवीज ब्लॉकबस्टर रही थी, तो वहीं अब शाहरुख खान बॉलीवुड के हाईएस्ट टैक्स पेयर बन गए हैं। इस मामले में बॉलीवुड के बादशाह ने सलमान खान और अमिताभ बच्चन को पछाड़ दिया है। दरअसल फॉर्च्यून इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक शाहरुख ने फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए 92 करोड़ का टैक्स चुकाया है। वहीं इस लिस्ट में तमिल अभिनेता विजय दूसरे स्थान पर रहे और अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत करने वाले अभिनेता ने 80 करोड़ रुपए का टैक्स भरा है। तो ये थी बॉलीवुड की अभी तक की कुछ रीसेंट गॉसिप्स। आपको ये कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय।